इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का और मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे पंजाब राज्य के प्रभारी हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबको भी जो है ना मैं अभिनंदन आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, पंजाब में 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं जी, और बीच में ही अफवाहें आ रही हैं राष्ट्रपति शासन लागू होने की जी। इस बीच आपकी पार्टी किस तरह देखती है, क्योंकि 117 सीटें हैं पंजाब में और हर जगह से अलग अलग कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, इसमें पढ़े लिखे कैंडिडेट होंगे या वैसे ही होंगे? हमारी पार्टी जो है राष्ट्रवाद के ऊपर जो है ना आधारित पार्टी है और हमने जो है ना ये निर्णय लिया है कि हम 50% सीट जो है टिकटें युवाओं और महिलाओं को देंगे और उसमें भी जो है हम बैलेंस 50% जो सीट रहेंगी उनके अंदर हम किसानों को और जवानों का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि मैं खुद जो है एक सर्विसमैन हूँ और 3 पीढ़ी से मेरी जो है आर्मी के अंदर रहे हैं, राष्ट्रवाद को हमने जिया है। भाजपा की तरह हमारा राष्ट्रवाद छदम राष्ट्रवाद नहीं है, उनका जो है ना प्रचार है राष्ट्रवाद का, हमने उस राष्ट्रवाद को जिसका वो प्रचार करते हैं हमने उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। कोई जॉइंट वेंचर रहेगा पंजाब में? अभी कुछ नहीं कह सकते जी, हम मैक्सिमम सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगे, कैंडिडेट हम लोग जो है स्वच्छ छवि के और युवाओं को जो है ना महत्व देंगे। हमने ये पार्टी युवाओं को प्लेटफार्म देने के लिए बनाई है, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए। हमारी पार्टी जो है जी राष्ट्र हित सर्वोपरि और युवाओं का, और आजकल जो है ना ये जो चल रहा है भाई किसानों का युवाओं का पंजाब जो है जो वो धरती थी इसमें नशे का और इतने से कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की भी जो है ना आज चाहे बेशक कहो कि हमारी सरकार नहीं रही है परंतु अकाली दल के साथ मिलके वो भी यहाँ सत्ता में रहे हैं, वो न तो यहाँ पे नशा ख़त्म कर पाए न युवाओं को रोज़गार दे पाए। यहाँ का युवा जो है आज कनाडा या बाहर फॉरन में भाग रहा है जबकि यहाँ पे इतनी अच्छी संभावनाएँ हैं, पानी के हिसाब से देखो बाकी और स्टेटों से जो है ज़्यादा तरक्की यहाँ पर हो सकती है। मैनिफेस्टो सभी के आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंजाब की जो जनता है उसमें महिलाएं आदि महिलाओं को पैसे की राजनीति से खरीदा जा रहा है, कोई 2000 देने की बात कर रहा है, कोई 1000 देने की बात कर रहा है, शुरुआत केजरीवाल ने करी थी, क्या कहेंगे जी? केजरीवाल की जो राजनीति है वो आज हम जो है ना लालच में जो है ले तो लेते हैं परंतु उस चीज़ को जो है हमारे को पढ़े लिखे समाज को उसको छोड़ना सोचना पड़ेगा, तत्कालिक लाभ लेके और आने वाले 5 साल तक फिर हम भुगतते हैं। आप दिल्ली की जाके हालत देखो, केजरीवाल जो यहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे सड़क की हालत ख़राब है, पानी जो है ना बोल रहे हैं हमने जल की जो है ना इतनी अच्छी व्यवस्था करी परंतु आज भी जो है ना टैंकर का जो है ना लाइन लगती है, मैं तो दिल्ली जाता रहता हूँ, हमने वो हालत देखी है। सर, दिल्ली मॉडल का ही वो बार बार कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में जो स्कूल है या कॉलेज है उनको हमने मॉडिफाई की, अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम दिल्ली के अंदर, और पंजाब के अंदर भी उसी तरीके से शिक्षा प्रणाली को सही किया जाएगा। पंजाब के अंदर तो शिक्षा प्रणाली जो है पंजाब ने तो सबसे पहले जो है उन्नत स्टेट हुआ है, पंजाब ने तो जो है इस स्टेट को जो है पूरे देश को जो है आईना दिखाया है, पूरे देश को लीड किया है, पंजाब के अंदर पोटेंशियल है, ज़रूरत है उसको बाहर की बजाय जो है पंजाब के अंदर ही उसके इंप्लीमेंट करने की। आपकी पार्टी की तरफ से कितनी सीटें लड़ाई जाएंगी? हम जो है जी स्वच्छ छवि के व्यक्ति और राष्ट्रवाद विचारधारा के मैक्सिमम सीटों पे हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम लोगों के पास में अभी अगर चुनाव जो है जिस हिसाब की बातचीत चल रही है अगर चुनाव आगे खींच सकते हैं तो हम 117 पे लड़ाएंगे, परंतु अभी होते हैं तो जितने हमारे पास में होंगे हम उससे समझौता नहीं करेंगे, कोई भी हम भ्रष्टाचारी व्यभिचारी इस टाइप के किसी को हम टिकट नहीं देंगे। कई पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, क्या आपने अभी तक किया, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं जी, हमने अभी कोई मैनिफेस्टो अभी जारी नहीं किया है, हम लोग जो है 10 दिन के अंदर जो है पूरे पंजाब में घूम के विचार करके यहाँ की क्या जो है एक्चुअल जो है ना मूलभूत सुविधाएं हैं और किस चीज़ की जो है यहाँ पे कमी है और कैसे बदल के हम युवाओं के बीच में जाके महिलाओं के बीच में जाके हमारा पार्टी का मानना है जब तक सैनिक का प्रतिनिधित्व सैनिक, किसान का किसान और आपका जो है ना युवा का युवा नहीं करेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता, तो हम उन्हीं लोगों से मिलके उसके बाद अपना मैनिफेस्टो जो है ना तैयार करेंगे और उन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। 2022 आने वाला है, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? हम ये देना चाहते हैं जी, कोरोना की वजह से 2 साल से देश जो है काफ़ी पीछे हो गया है और 13 महीने से जो किसान भी जो है ना आंदोलन रहते थे उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो अब हम लोगों को जो है कोरोना का भी ध्यान रखते हुए
और देश को जो है ना तरक्की की तरफ लेके जाना है। हम लोग सब ने मिल के जो है देश हित में जो है ना सोचना है। जय भारत जय पंजाब, ये हमारा मोटो है, हमारा संकल्प आपका सहयोग। और हमारा जो हमने नारा जो दिया है वही है कि भाई बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बलविंदर सिंह सोढ़ी जी, ठीक है जी, इनको आज हमने पंजाब चुनाव की कमान दी है। ये एक हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, वो तीन आदमियों की कमेटी, स्वच्छ छवि के व्यक्ति, जहां हमारे को मैक्सिमम सीटों पे मिलेंगे उनको हम टिकट देंगे। ये उनका जो है बातचीत करके और कमेटी से साथ जो है ना उनका आवेदन लेके उस पर विचार करके हमारी जो विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति होंगे उनको ही हम आगे जो है लेके चलेंगे। हमारा उद्देश्य है भारत, राष्ट्रवाद और समाजवाद, हमारे तीन ही आइडियोलॉजी हैं, राष्ट्रवाद, समाजवाद और भारतीय संस्कृति में जो भी विश्वास रखता है वो हमारी पार्टी का सदस्य होता है। किसी भी पार्टी का कोई भी कर्मठ कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहा हो, जिसने अपनी पार्टी में मेहनत की है और आज उसकी जगह जो है कोई पैसे वाला आके या ये आके उसकी जगह कब्जा कर गया और उसको जो है ना दूसरे महत्वाकांक्षी व्यक्ति आने के बाद में उसके हक पे जहाँ डाका डल गया है, उन सब व्यक्तियों का मेरी पार्टी में स्वागत है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। इन तीन चीज़ों को जो ध्यान में रखता है वो सभी मेरी पार्टी के आने वाले टाइम में जो है ना, तो हम चाहते हैं कि भाई पंजाब के लोग ही पंजाब की सरकार चुने, ऊपर से ऊपर। हाँ जी सोढ़ी साहब, की कहना चाहते हैं पंजाब की कमान तुम्हें दी गई है, तुम की कहना चाहते हो? मेरा पहला मैसेज तो यह है जी, तुहाडा सारिया का पत्रकारों का जिहड़ा तुसी चौथा थम है भारत का, तुहाडा मैं धन्यवाद करदा जी आया कहना। और उस तो बाद मेरा जिहड़ा पहला साडा पार्टी का मोटिव है, अज तक असी ये सर्वे किया है, निर्णय किया है कि पंजाब और भारत में जिहड़ी साडी आबादी है 100% है, जिंदे विचों 40% आबादी विच असी बजुर्ग लोग आने हैं और 60% आबादी युवा की है। तो सब नालों पहला साडा मुद्दा है कि साडी सरकार आएगी तो असी युवा कमीशन बिठावांगे और युवा की जिहड़ी मंग है वह पहल के आधार पर पूरी करांगे। असी 117 ही खड़े कर रहे हैं जी। ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ, ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ 10 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
मैं उन्होंने ये गल पूछना चाहना कि तुसी करनैल सिंह पीर मुहम्मद जी जिहड़े तुसी राष्ट्रीय प्रेजीडेंट वो अकाली दल बादल ज्वाइन कर चुके हो और जिहड़ा तुहाडा पंजाब दा जनरल सकत्तर वो परमिंदर ढींडसे हुरी जिहड़े उस अकालियां विचों निकल के उन्होंने नवा अकाली दल संयुक्त तैयार किया तां उन्हां दा जाके सलाहकार बन चुका है। तुसी अपने सलाहकार अपने जनरल सकत्तर नूं नहीं रोक सकदे, तुसी सिख इंसाफ नूं किहड़े न्याय देण दीआं गल्लां कर रहे हो। और इस तरह ही होर कई जथेबंदियां ने और मैं अज उन्हां दा डिस्ट्रिक्ट प्रेजीडेंट होने के नाते ते मैं अपना किरदार अपनी सोच अपनी जो संघर्ष है उन्हें ना छड़दा होया अज एक नवी पार्टी लैके उन्हां दे बराबर ते पंजाब विच उतरिया और उन्होंने ये नत्थ पाउण लई उतरिया कि असी अज भी जींदा और साडा जिहड़ा संविधान है वह उस तरह ही असी बहाल रखांगे और तुहानू जिहड़ी ये राजनीति गलत राजनीति सिख कौम नूं तुसी वरत के और अपने घरां दीआं प्रॉपर्टियां बना के और सिख नौजवानां ते परचे करा के उन्हां दीआं रहिश्तां पवा के उन्हां नूं तुसी घरों बेघर करके और अज वो बंदे घर छड के पंजाब छड के बाहर दीआं स्टेटां विच रोल ले रहे ने, तुसी उन्हां दी बात नहीं पुछ रहे और जिन्हां ने सिख कौम नूं इंसाफ दवाउणा उन्हां नूं असीं वापस पंजाब विच लैके आवांगे और उन्हां नूं इंसाफ दवाउण लई अपने नाल उस मुद्दिआं ते खड़े करके और सिख कौम दा एक असीं वक्खरा कमीशन बनवाउण लई अपने सारी नींह पत्थर रखांगे और इन्हां नूं असीं हिक ठोके जवाब देवांगे। हाँ जी, चौहान साहब की कहना चाहते हैं अभी थोड़ी राष्ट्रीय पार्टी जी तकरीबन अब पंजाब दे विच उतरी है ते अपने कैंडीडेटा लई की कहना चाहते? राष्ट्रवादी पार्टी दे नाल मेरे अटैचमेंट इस ढंग की हुई है क्योंकि मैं ऑफिस का काम संभालांगा जी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब तो रिटायर्ड हाँ जी, तो दफ्तर का काम जरा मैं देने जी सेवा मैं मेरी लगानगे वो मैं बाखूबी संभालने की सक्षम है। की कहना चाहते हो किस तरह इस पार्टी में आए हैं, पहला की कर रहे कि पार्टी से देख के पार्टी में ज्वाइन किया था? पहला मैं रेलवे इंपलाई सीगा जी, ट्रेड यूनियन करता सी URM जो उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का मैं प्रेजिडेंट सी, जिहड़ी कि कांग्रेस नाल इंटेक दे नाल रिलेटेड हैगी यूनियन जी उहदे विच सीगा जी, लेकिन उहदे विच भी मैनूं मान सम्मान नहीं मिल पाया जी क्योंकि 33 साल सर्विस करन तों बाद आदमी अगर उहनूं दुबारा उह कांग्रेस पार्टी इंटेक पार्टी यानी कि जे मैनूं उहो जिहा मान सम्मान नहीं दे सकी मेरी सेवा का मुल नहीं पा सकी, इस करके मैं 2012 च रिटायर होया सी, घर च फ्री बैठा सी, लेकिन जिहड़ा आदमी पार्टी दे नाल काम करदा उहदा शौक हुंदा कि मैं किसी पार्टी नाल जुड़िया रहा, इसलिए मैनू बलविंदर सिंह सोढ़ी जी ने मैनू अपना आशीर्वाद दिता तो मैं इन्हां दे नाल खड़ गया। अज साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए ने, बहुत अच्छे आदमी ने, उन्हां दे विचारधारा मेरे नाल मिलदी जुलदी है जी, राष्ट्रवादी ने राष्ट्रीय बारे मैं भी सोचा हाँ जी उपराले की करोंगे लोगों के लिए इस पार्टी में आ गए उपराले जन जन तक असं इस पार्टी का संदेश पहुँचावे पंजाब के जन जन जाके अभी कोशिश करा भी साडा संदेश जन जन तक पहुँचे राष्ट्रवादी पार्टी का। अज दे सभा विच आए हुए सारे भरावां दा भैणां दा मैं धन्नवाद करदी हाँ। अज दिल्ली विच दिल्ली दी पार्टी राष्ट्रवादी जन विकास पार्टी दे जिहड़े मेहमान आए आ उन्होंने मैनू इस काबिल समझिया, अज जिहड़ा इन्होंने मेरे उत्ते विश्वास किया कि तुसीं इस पार्टी दे नाल जुड़ के साडे नाल जुड़ के काम करो, मैं उन्हां दा धन्नवाद करदी हाँ कि उन्होंने मैनू इस काबिल समझिया ते मैं उन्हां दे नाल मिल के उन्हां दे नाल चल के अपने समाज की सेवा करांगी, जिद्दां कहणगे मैं उद्दां करांगी। ठीक, धन्नवाद।